माई सेल पंकज कुमार वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन लखनऊ सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का सेकेंड लेक्चर इसमें कि हम लोग डब्ल्यू के डब्लू uh, टी के बारे में सीखेंगे बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा ठीक है फिर ओरिजिन कैसा रहा डब्ल्यू का इसके बारे में देखते हैं हम लोग तो और सो so, आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द डब्लू टी ओ बेसिकली डब्लू टी ओ आखिर बना कैसे डब्लू टी ओ मतलब बना हुआ गैट से यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से ठीक है ये 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 द सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर इज़ द डब्ल्यू टी ओ इज़ दक्सेसर टू द जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड विच विच वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन फोटी सेवन यानी कि जो हमारा गैट बना था डेट तो ये हमारा 1947 बना था ठीक है फिर हमारे पास एक मीटिंग का काफ़ी एट राउंड की मीटिंग हुई एट राउंड की मीटिंग हुई उसके बाद हमारा कौन सा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि परमानेंट बॉडी बन गया किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए वो हमारा कब एग्जिस्टेंस में आया एक जनवरी 19 उन्नीस में ये हमारा एग्जिस्टेंस में है एक जमाटी ठीक है तो ये कौन से हमारा राउंड राउंड था इसे हम लोग बोलते हैं उरुग्वे राउंड द उरुग्वे राउंड 1986 एटी सिक्स टू नाइनटीन नाइन्टीन ऑफ द गैट लीड टू द डब्लू क्रिएशन जो कि एक गैट का क्या करता है गैट से गैट uh, जो कन्वर्ट होकर क्या हो गया डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू का जन्म डब्लू का जो क्रिएशन हुआ इस ए सी उ रही राउंड के दौरान ही हुआ डब्ल्यू टी ओ बिगन बिगन ऑपरेशन इन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइनटीन फाइव ठीक है तो ये बेसिकली उसका स्टार्टिंग था बेसिकली जो गैट था वो केवल गुड्स पे करता था गुड्स पे ही अप्लाई किया जाता था दूसरा यहाँ पे किसी भी इंटेलेक्चुअल यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कोई भी बात नहीं की गई थी तो ये सारी जो कमियाँ थी जो इसका जो लिमिटेशन था उसको इम्प्रूव किया उसको इस, इस इस इसको इसको हम लोगों ने मेंशन किया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है फिर सर्विसेज और जो सर्विसेज को भी मेंशन नहीं किया गया था तो इन सब चीज़ को हम लोगों ने किस में ऐड किया डब्ल्यूटीओ के अंदर तो हमारा अब जो डब्लू बन गया उसके अंदर डब्लू के अंदर हम लोग क्या बेसिकली डील करते हैं गुड्स को डील करते ही हैं फिर उसके बाद सर्विसेज़ को भी डील करते ही हैं फिर हमारे पास क्या गया? IPR, Rights, आ गया आई पी आर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है सर्विसेज जो कि किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट से उसको हम लोग यूज़ करके एक तरस नाम का प्रोडक्ट बनाया जिससे जिसको कि जैसे एज ए डॉक्टर डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद लोग क्या करते हैं डॉक्टरी का अपना एक प्रोफे प्रोफेशन चूज़ करते हैं फिर अपना या या तो वो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो ये भी क्या है एक सर्विस सेक्टर का एक एग्ज़ाम्पल है ठीक है जैसे किसी भी किसी भी चीज़ को समझ के वो अपना एक सर्विस देना शुरू कर दिया या सपोज करिए एक टिफिन वाला था या एक जनरली कोई खाना बनाने वाला था वो पहले अपने लिए खाना बनाता था ठीक है और वो बेसिकली खाना अपने लिए बना के और वो खुद से ही खाता था उसे फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ तो इसको बेचना शुरू कर दूँ तो वो मार्केट से रॉ मटेरियल को पिक किया उसने खाना बनाया और फिर जाके उसको टिफ़िन सर्विसेज़ की तरह यूज़ करने लगा तो वो क्या हमारा कहला गया सर्विसेज सर्विस सेक्टर ठीक है तो सर्विस सेक्टर हमारा कहलाने लगा तो उस केस में वो हम उसे क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर बेसिकली ये होता है किसी रिसोर्स का किसी रिसोर्स का हम लोग बेसिकली यूज़ करके ऐसी ही किसी रिसोर्स का बेसिकली यूज़ करके कुछ भी इकोनॉमी किसी भी तरह की इकोनॉमी एक्टिविटी करना इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी करना वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाता है ठीक है तो फिर ये डब्ल्यू के अंदर हम लोगों ने सर्विसेज को भी ऐड किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा जैसे कि कोई एक आ, कोई एक ऐस, ए, ऐसा क्रिएशन या इनोवेशन हुआ है जिसको कि हम लोग मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो उस केस में उसे उस तरह का अगर कोई डुप्लीकेट अगर कोई डुप्लीकेट आर्टिकल या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे इसे रोकेंगे तो ये भी चीज़ डब्लू में मेंशन की गई ठीक है जैसे कि किसी ने आप इस केस में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ बीस साल या पच्चीस सालों का एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये हम लोग बीस सालों तक एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी उसकी जो है रॉयल्टी आपको फोर्टी परसेंट हम लोग पे करेंगे गवर्नमेंट इसे पे करती है क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत से उस चीज़ को बनाया होगा तो इस कारण से गवर्नमेंट उसको क्या पे करती है एक रॉयल्टी पे करती है तो उसे हम लोग उस उस केस में रखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में तो ये सब ये सब सारी कमियाँ थी जो गैट के अंदर हम लोगों ने मेन्सन जो जो गैट के अंदर एग्रीमेंट बेस्ड था यानी कि परमानेंट उसकी बॉडी भी नहीं थी ये केवल एक बायलेटर बायलेटर ट्रेडिंग पे था और यहाँ पे गुड्स की गुड्स के ट्रेडिंग के बारे में ही लिखा हुआ तो ये सब चीज़ें इसकी कमियाँ थी जिसको कि दूर करने के लिए डब्ल्यू आया कि इंटरनेशनल में इंटरनेशनल जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग कर रही होगी तो उसके इसमें ये सारी दिक्कतें आ रही थी तो हमारा जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ द एग्रीमेंट इस्टेब्लिश द डब्ल्यू टी ओ कॉमनली नोन एज मार्कस एग्रीमेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्कस एग्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली जो एग्रीमेंट इस पर साइन किया गया मार्कस एग्रीमेंट वॉ साइन इन मार्कस इन मोरक्को 1994 ठीक है तो ये ये था हमारा बेसिक डब्लू टी का किस तरह से क्रिएशन हुआ ये हिस्ट्री क्या था तो हम लोगों ने ये सीखा अब डब्ल्यू टी का जो इंट्रोडक्शन है ये है फॉर्मेशन इसका बेसिकली uh, हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फर्स्ट जनवरी नाइन उन्नीस जो जो कि अभी से ये सत्ताईस ट्वेंटी सेवन हो गया है इसका इसके अंदर मेंबर कितने अभी 164 मेंबर हैं ठीक है अभी जो सबसे लास्ट मेंबर वो रहा है अफ़गानिस्तान रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश फ्रेंच और स्पेनिश है ठीक है लास्ट मेंबर अफगानिस्तान रहा 164 मेंबर ठीक है इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वर नंबर ऑफ ऑब्जर्वर ये बेसिकली मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इनको वोट देने का कोई राइट right नहीं होता है बेसिकली ठीक है तो ये ऑब्जर्वर इसलिए बन देंगे क्योंकि ये आने वाले सालों में क्या हो सकते हैं कि इस डब्ल्यू के अंदर परमानेंट मेंबर बन सकते हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए तो जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि नंबर uh, ऑफ़ uh, मतलब ऑब्जर्वर के लिस्ट में रख देते हैं ठीक है तो ये सारी कंट ट्वेंटी फाइव कंट्री हैं जो कि हमारे क्या है अभी रिसेंटली ऑब्जर्वर के कैटेगरी में ठीक है हेड क्वार्टर इसका कहाँ है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है ठीक है इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर बना था 1947 गैट 1947 में ये मैंबर गैट का भी था उसके बाद ये सक्सेसर हो गया तो उस टाइम पे भी ये इसका मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट बन ही गया था इंडिया ने जैसे ही इस जैसे ही मार्कस एग्रीमेंट को साइन किया उसके बाद बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ये होता है एशियन वर्ल्ड में एशियन वर्ल्ड में एशियन कॉन्टिनेंट में बेसिकली ये होता है कि सब वेट करते हैं इंडिया का बेसिकली इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट होता है क्योंकि ये काफ़ी अपने दिमाग से या अपने विवेक को यूज़ करते हुए किसी भी ट्रेड को साइन करता है अपने लोगों को आ, अपने लोगों का इंटरेस्ट भी लेके ये साइन करता है तो जैसे ही एशिया में इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में आ, एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे नाइनटीन में जिसमें कि इंडिया के पास केवल सात दिनों के ही सारे आ, रिसोर्स बचे हुए थे तो उस केस में इंडिया मदद के लिए आईएमएफ गया तो आईएमएफ ने बोला कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हें लोन अब तभी प्रोवाइड करेंगे जब तुम न, इस तरह के एग्रीमेंट पे साइन करोगे ठीक है यानी कि जो मार्कस एग्रीमेंट था डब्ल्यू का उस तरह के एग्रीमेंट में अगर आप साइन करते तभी हम आपको लोन पास करेंगे तो इं, इंडिया ने बोला इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उस केस में इंडिया ने उसको साइन कर दिया साइन कर दिया उसके बाद डब्लू ने इसका जो एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया उस एग्रीमेंट को पूरे एशियन कंट्री अफ्रीकन कंट्री अफ्रीकन कंट्री को दिखाया कि देखो इंडिया ने भी इस इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर लीजिए जैसे ही डब्ल्यू ने उसका यूज़ किया तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन किया था इंडिया ने उसे दिखाया तो उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने जाके उस डब्ल्यू टी ओ को ज्वाइन कर लिया तो उस टाइम पे टोटल शायद 123 या वन ट्वेंटी एट मैंबर हो गए थे जब इंडिया ने साइन किया उसके बाद तो ये कुछ उसके बेसिक इंट्रोडक्शन थे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ मेंबर इसके कितने हैं 164 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश ठीक है लास्ट मम्बर अफगानिस्तान रहा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वर ट्वेंटी फाइव हैं हेडकोटर हमारा जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेम्बर रहा है नाइनटीन से ही जो जिस टाइम गैड बना था अब जो सक्सेसर सर ये इसका हो गया है डब्ल्यू तो ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी डब्ल्यू का कौन सा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ठीक है द हाइस्ट यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है द हाइस्ट अथॉरिटी ऑफ द डब्ल्यू टी ओ इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मस्ट मीट एट जो कि हर एटलीस्ट एवरी टू ईयर मतलब प्रत्येक दो ईयर में हमें प्रत्येक दो साल बाद या दो साल के लगभग हमें मीटिंग करना पड़ता है उस उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 में द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट मोस्ट रिसेंटली इन द जून ट्वेंटी टू इन द जनेबा ठीक है तो जो मिनिस्टर मीटिंग हुआ 2022 का जून में जो कि जनेबा में हुआ बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने फीसरी जो इंडिया में फीसरी प्रोडक्शन किए जाते हैं यानी इंडिया जो आपने सुना होगा यहाँ पे कि इंडिया इस केस में अपने फीसरी फीसरी एग्रीकल्चर में क्या करता है लोगों को सब्सिडी देता है सब्सिडीज देता है तो उस केस में इंडिया इस मीटिंग में गया था उसके मेंबर्स मतलब जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग यहाँ पे बैठे थे तो यहाँ पे जब उन्होंने जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ तो उन लोगों ने अपना बात रखा कि जब सब्सिडी की बात है तो वेस्ट कंट्री बोली कि आप तो ऑलरेडी सब्सिडी दे ही रहे फिर फिशरी में भी, भी आप सब्सिडी चाहते हैं तो इंडिया ने अपना बात रखा कि हम लोग के यहाँ हम लोग के यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग फिशरी प्रोडक्शन में भी थोड़े पीछे रहते हैं इस कारण से हमें अपने फार्मर को सब्सिडी देना पड़ता है क्योंकि वो सब्सिडी देने से उनको थोड़ी सी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है तो इस चीज़ का जो अदर कंट्री यानी कि डेवलप डेवलप्ड कंट्री यानी कि जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने क्या किया इसका अपोज़ किया तो इसी 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 मीटिंग में इस फिशरी जो सब्सिडी दिए गए थे तो इनका ये कहना था कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है क्योंकि फिशिंग इंडस्ट्री में भी लोग क्या कर रहे हैं अब जाके सी को काफ़ी ही डिस्टॉर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी डेवलप कंट्री ने ये बोला कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा कार्बन एमिस जो एशियन कंट्री है वो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है ठीक है तो इस केस में भी क्या हुआ कि इस मीटिंग का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया होपफुली कुछ रिजल्ट पॉजिटिव रहे कुछ result, कुछ रिजल्ट रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव रहे तो उस केस में हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान देना पड़ा तो तो ये जो हमारा जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग था जो कि रिसेंटली 2022 में आ, 2022 जून में जिनेवा में हमने किया था ठीक है Each ministry, each ministerial conference, the daily work, the daily work is handled by the three bodies, whose member, whose membership is the same. ठीक है इस तरह के मीटिंग इस तरह की जो मीटिंग होती है इसमें इस हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं अब डब्ल्यू का कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि सबसे सबसे यहाँ पे हेड होता है जो जो हर एटलीस्ट एटलीस्ट हमें टू ईयर पे एक मीटिंग करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री का दूसरे कंट्री से डिस्प्यूट होते रहता है फिर इस इसको भी हम लोग इसके भी अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टी पार्टीशन है जनरल काउंसिल है जनरल काउंसिल के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है ठीक है फिर इस जनरल काउंसिल के अंदर हमारे पास गुड गुड्स काउंसलिंग भी बना हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल भी बना हुआ है कि किसी भी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो तो उस तरह के सर्विस काउंसिल भी बना हुआ है जो कि इन सब चीज़ों को डील करता है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम आएंगे तो ये कुछ डब्ल्यू का स्ट्रक्चर है डब्लू को बने ट्वेंटी सेवन ईयर हो गए हैं और इसमें वन हंड्रेड अभी तक वन ट्वेंटी वन सिक्सटी फोर मेम्बर्स हैं तो यहाँ पे जो किसी भी बिल को पास करना रहता है तो यहाँ पे सभी के एवरी वन मस्ट एवरी वन मस्ट एग्री मतलब कि सभी को यहाँ पे एग्री होना पड़ता है अगर सभी लोग 164 मेंबर एग्री हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट uh, पे, तभी वो बिल क्या होता है वो वहाँ से पास होता है तो अभी तक डब्ल्यू में ट्वेंटी सेवन ईयर हो गए यहाँ पे केवल एक ही बिल पास हुआ है इसका मेन प्रॉब्लम यह है कि इसमें सभी लोगों के सभी लोगों का राय एक ही जैसा होना चाहिए यानी कि सभी सभी लोग जब तक इस पर अपनी सहमति नहीं करते हैं तब तक डब्ल्यू से ये बिल पास नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में होता है कि जो भी अगर हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी है तो उसका हंड्रेड परसेंट का हम लोग क्या निकालते हैं टू बाई थर्ड टू बाई थर्ड निकालेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा फिफ्टी वन तो यानी कि सौ में अगर अगर सौ में हम लोग बात करें तो सौ में केवल और केवल हमें कितने की ज़रूरत पड़ती है फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी वन परसेंट लोगों को फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी वन परसेंट लोगों की जरूरत पड़ती है कि सहमति करते हैं बाकी अगर वो सहमत नहीं है तो भी हमारा क्या होता है वो बिल पास हो जाता है तो ये ये जो है डब्ल्यू में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तो अब पूरे वर्ल्ड में ये बात अब पूरे वर्ल्ड में ये बात हो रहा है कि इस डब्ल्यू को भी हम लोग क्या कर दें रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाए जिस पर कि एक नए तरीके से रूल और रेगुलेशन हो एग्रीमेंट हो तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान दे रहे हैं ठीक है थीके? तो ये था ये था इसका डब्ल्यू टी ओ का इंस्ट्रक्चर जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे ऊपर होता है उसके बाद जनरल काउंसिंग आता है जनरल काउंसिल के दो दो बॉडी हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ट्रेड पॉलिसी जो भी हर साल जो मिनिस्टर मीटिंग होता है उसमें हम लोग पॉलिसी को चेंज करते हैं कि टैरिफ फ्री रहेगा फिर कॉमन एरिया कॉमन मार्केट दिया जाएगा फिर गुड काउंसिल्स जो हैं, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल हैं फिर हमारे पास सर्विस काउंसिल्स हैं ठीक तो ये ये इसका एक है डब्ल्यू है ओ का हम लोग मूव करते <coughs> अब क्या है डब्ल्यूटीओ का सेट एंड सेट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये क्या करता है एक तरीके से uh, वर्ल्ड लेवल पे सेट करता है और इन्फोर्स करता है कि आप आप सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे आके ट्रेडिंग करें ठीक है ट्रेडिंग करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है उस चीज़ को हम लोग क्या करें दूसरे कंट्री से ले लें जो चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है उसे दूसरे कंट्री को इम्पोर्ट कर दें तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि हर कंट्री का क्लाइमेट अलग होता है वहाँ पे जो जियोग्राफिकल जियो जियोग्राफिकल कंडीसन अलग होते हैं तो इसीलिए इंटरने डब्ल्यू टी ओ क्या करता है सेट एंड एंडफोर्स सेट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग रूल्स दूसरा तो पॉइंट हमारे पास प्रोवाइड ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन एंड इनेबल फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन तो यहाँ पे हम लोग क्या करते है? एक हैं एक बहुत सारी कंट्री बैठती हैं और फिर वो क्या करती है नगोसिएट करते हैं कि किस कि तरह का किस कि तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए बेसिकली कि किसी कंट्री के किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लो इनकम है तो वहाँ पे हमें किस तरह से डब्ल्यू टी के अंदर नेगोशिएट करना चाहिए ठीक है कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं कि आप टेन परसेंट से ज़्यादा अपने अपने कंट्री में लोगों को एग्रीकल्चर में सब्सिडी नहीं दे सकते हैं तो ये सब बैरियर आता है तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेगोशिएट करते हैं यहाँ पर ठीक है और फिर इनेबल एक लिबरलाइजेशन तरीके का ट्रेडिंग हो रिजॉल्व ऑल द ट्रेड डिस्प्यूट जैसे चाइना अमेरिका में हो रहा था कि एक तरह से ट्रेड वार हो रहा था तो उस तरीके के दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा ट्रेड में जो डिस्प्यूट आ रहा है उस तरह के ट्रेड को डिस्प्यूट करना कभी कभी चाइना अमेरिकन प्रोडक्ट पे क्या कर रहा था टैरिफ यानी टैक्स बढ़ा दे रहा था उससे क्या होगा जब टैक्स बढ़ेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम उस पर्टिकुलर आइटम पे तो लोग उसको कम कर देंगे टैक्स कम होगा तो उस उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ज़्यादा लोग कर देंगे तो इस तरह का ट्रेड अगर डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है तो तो वहाँ पर डब्लू इन सब चीज़ों को क्या करता है रिजॉल्व करता है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब भी कोई भी आ, उनको डिसीजन लेना रहता है तो वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ठीक है कोऑपरेट विथ अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ग्लोबल अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो जो इन्वॉल्व करते हैं तो उनको भी ये क्या करते हैं कोऑपरेट करते हैं हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो कंट्री डेवलपिंग है अंडर डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं तो उनको क्या करता है ये क्या करता है एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यानी कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है जैसे टैरिफ क्या हो कम लगेगा तो वो अपने आर्टिकल को उस पर्टिकुलर दूसरे कंट्री में बेचेंगे तो लोग ज़्यादा उसे खरीदेंगे तो ये सब सारे चीज़ है जो कि डब्ल्यू टी ओ के ऑब्जेक्टिव हैं तो हम लोग मूव करते हैं ने नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम नॉन नॉन डिस्क्रिमिनेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है कि कोई किसी कंट्री को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर दर्जा मिल जाता है तो वो ऑल ओवर जितने भी वन सिक्सटी हैं वन सिक्सटी मेम्बर हैं तो उनके साथ वो एक ही तरह का टैक्स रखेगा चाहे वो चाहे वो इम्पोर्ट कर रहा हो चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो यानी कि टैरिफ एक ही तरह का करे चाहे वो बहुत बड़ी कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो अमेरिका जैसी कंट्री हो तो वहाँ पे भी अगर वो सबसे लोएस्ट टैरिफ रेट पे वो प्रोडक्ट को बेचा है तो वहाँ पे भी उसी तरीके से फॉलो होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बस समझाया जा रहा है कमिट टू ट्रेडिंग अदर मेंबर्स इक्वली लोएस्ट टैरिफ, हाइस्ट इम्पोर्ट हाइस्ट इम्पोर्ट कोटा एंड फ्यूएस्ट टैरिफ टैरिफ बैरियर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पे लोएस्ट टैरिफ होगा हाइस्ट इम्पोर्ट कोटा होगा और फ्यूएसट यहाँ पे ट्रेडिंग बैरियर को हम लोग यूज़ करते हैं अगर किसी तो इस केस में इंडिया जो है इंडिया को बोला जाता है कि आप जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लीजिए तो इंडिया बोलता है कि अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लेंगे तो जो हम अमेरिका को हाई टैरिफ पे थोड़े से हाई टैरिफ पे हाई टैरिफ पे जो आर्टिकल बेचते हैं जिससे अर्निंग हमें आती है उससे हम अपने लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं तो वो हमें नहीं मिल पाएगा हम अफ्रीकन कंट्री में अफ्रीकन कंट्री या एशियन कंट्री में उसको थोड़ा सा लो प्राइस पे बेचते हैं तो ये एक तरीका भी सही है कि जहाँ पे जैसे इनकम है उस रेट पे उसे बेचा जा रहा है ठीक है अब इनके पास जो जैसे अमेरिका अमेरिका हो गया इंग्लैंड हो गया फिर यूरोपियन कंट्री हो गई तो उनके पास इकनॉमी ज़्यादा है तो अगर वहाँ पर थोड़ा सा रेट बढ़ा के भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत इनके इनके लोगों के इन लोगों के परचेजिंग पावर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हाई रेट पे इसे बेचने लगेंगे अफ्रीकन कंट्री एशियन कंट्री में तो उस केस में इन लोगों के परचेजिंग पावर पे इफ़ेक्ट आ सकता है तो इस इस कारण से इंडिया का एक कंसर्न है जो कि इसी आ, जो इंडिया नहीं चाहता है कि मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे में आऊँ ठीक है अब नेशनल नेशनल ट्रीटमेंट नेशनल ट्रीटमेंट में ये बोला गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इन द इंटरनेशनल इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटेक्टिंग द इंटर जो भी कंट्री के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे वैक्सीन बना था तो मोडर्ना कह रहे थे कि नहीं हम फ्री में नहीं बेचेंगे तो वो एक तरह के कि किसी ये तो किसी एक किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा एक इन्वेंशन किया गया पर्टिकुलर वैक्सीन तो उसने कितने मेहनत से इसको बनाया होगा तो उस केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगता है जैसे कि कॉपी राइट होता है हमारे पास तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक आ, कौन सा बनाया गया नेशनल ट्रीटमेंट कि इस तरह का को कोई भी चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे फिर रेस्पे रेसिप्रोसिटी इसको भी हम लोग मेंटेन ये भी हमारा प्रिंसिपल का पार्ट है बाइंडिंग एंड इनफोर्सबल इन इन्फोर्सबल हमारे पास होता है फिर फिर ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी सेफ्टी वैल्यूज़ को हम लोग ध्यान देते हो तो ये सब ये सब सारे क्या है प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिस्टम के डब्लू टी ओ के अंदर डब्ल्यू टी ओ का ये रिपोर्ट जारी होता है दो तरह के रिपोर्ट डब्लू टी ओ जारी करता है एक एक हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कि पूरे साल में कि किस तरह से ट्रेडिंग हुआ बिहेवियर क्या था ठीक है फिर दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स कि किसको लॉस हो रहा है जैसे आप सुनते हैं कि इंडिया को हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का हंड्रेड बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है चाइना के साथ तो ये सब चीज़ें भी डब्ल्यू uh, टी uh, जारी करता है ठीक है फिर जो अभी लास्ट रिपोर्ट डब्ल्यू ने जारी किया था 2017 में तो उसमें टेक्नोलॉजी जॉब ट्रेड टेक्नोलॉजी और जॉब्स के बारे में कि किस तरीके से उसका ट्रेंडिंग रहा तो इन सब चीज़ों के बारे में डब्लू क्या करता है एक रिपोर्ट जारी करता है कि वो बताता है कंट्री को किस तरह से मार्क इस साल ट्रेडिंग हुआ है टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम लोगों ने ट्रेडिंग किया है कितने टैरिफ लगाए किस कंट्री लगा ने सबसे ज़्यादा कम किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा पूरे मार्केट में पूरे मार्केट को कैप्चर किया तो डब्लू एक तरह से रिपोर्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि बेसिकली किस तरह से रिपोर्ट रहा तो आने वाले समय में हम लोग इसे कैसे इम्प्रूव करेंगे तो ये सब चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा तो आई होप आपको ये सब आ, समझ में आएगा डब्ल्यू टी का इंट्रोडक्शन क्या था फिर इसका ओरिजिन कैसे था फिर इसके अंदर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किस तरह से किया जाता है कितने मेंबर है और यहाँ पे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे फिर डब्ल्यू रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है तो ये कुछ रिफ्रेंसेज आप इसे देख सकते हैं आई होप हम लोग मिलते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू स्टूडेंट